हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, जय स्वामीनारायण। मस्त सुबह हो गई है और मैंने मस्त पूजा कर लिए। चलो डायरेक्ट हम चलते किचन में और आज करना है ना साइस लिए। और मम्मी पापा दोनों किचन में ही। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। क्या कर रहे हैं आप? तेरे को हटवे पड़ता है। तब मैं कैसा करूं? मैं दूध पी ली। दूध पी ली ओके। तो फिर जाजू नहीं घट से नहीं ना। और साथ में चाय है गरम गरम। पापा मस्त फ्राई कर रहे हैं। पापा खेत पे जाना है, जाओ घर ना। ओके, तो इसलिए पापा को फ्राई करना ही पड़ता क्योंकि खेत पे जाते हैं ना। इसलिए तो चलिए कुछ होगा तो मेरे लायक तो मैं नाश्ता करूंगी, वरना तो काम से स्टार्ट कर दूंगी। तो चलिए फिर, मुझे गाय को रचका खिलाना है तो मैं जा रही हूँ रचका लेना लीला। तो चलिए मैं जा रही हूँ और बाद में दिखाऊंगी। लेकर आ गई हूँ तो चलो गाय को रचका खिला देते हैं। यहाँ पे छोड़ कर जाना पड़ता है वरना गाय पीछे दौड़ती है तो भागना मुश्किल हो जाता है। एक में ले लेता हूँ। यहाँ पे गाय को रचका खिला रही है क्योंकि उसका संकल्प था कि दादा धाम में गए ना, इसलिए फैमिली टाइम साथ में स्पेंड करेंगे सब गैया। तो चलो हम गाय को रोज का खिला कर आ गए और हमको नाश्ता बाकी है तो हम डायरेक्ट चलते हैं किचन में। नाश्ता कर लेते मैं और उसे साथ में। चलो चलो चलिए। तो फाइनली मैंने मस्त नाश्ता कर लिया है और काम शुरू करना है तो यहाँ पे मम्मी ने अपना काम शुरू कर दिया। हेलो मम्मी। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। तो वे क्या कपड़ा खो तुम्हारे? ओके। तो चलिए मम्मी अपना काम करे तो मैं मेरा काम स्टार्ट कर देती हूँ। झाड़ पोता लगाना है। हम काम करके फ्री हो गए हैं और मम्मी का कीर्तन लेना है उसके चैनल के लिए क्योंकि मैं कल या परसों जाने वाली सूरत। तो मम्मी का वीडियो मेरे पहले से लेना पड़ेगा, पेंडिंग में रखना पड़ेगा, इसलिए अभी मम्मी भी रेडी हो गए है। तो आपके चैनल में कीर्तन ले लेते हैं। हेलो कीर्तन गाय ले। यस चलिए चलिए चलो। तो फाइनली मैंने मम्मी का कीर्तन ले लिया है, बहुत सारा है तो एडिट करना है मुझे। और अभी मम्मी किचन में आ गए। मम्मी क्या कर रहे हैं आप? यस आलू की सब्जी और साथ में क्या सिरो? ओके यस सरस। यहाँ पे मम्मी ने आलू की सब्जी कटिंग कर ली है और यहाँ पे ऑयल भी रख दिया है सब्जी के लिए। तो मम्मी खाना बनाएंगे नहीं मम्मी? हाँ। तो मम्मी फ्राई बनाएंगे और मुझे मम्मी का बहुत सारा मैंने जो वीडियो लिया है ना वो मुझे एडिट करना है तो वो काम मुझे ही करना पड़ता है। तो मम्मी बनाएंगे, मम्मी बोल रहे हैं कि मैं कर लूँगी तो वो मम्मी फ्राई बनाते हैं तो तब तक मैं वीडियो एडिट कर लेती हूँ। मम्मी कहाँ तक पहुँची आपकी रसोई? फराल रसोई जो यहाँ पे आलू की सब्जी मस्त रेडी हो गई है। लोड बन जाएगी उसे। यस फराड़ी राखी का आटा भी गुन लिया है। यहाँ पे मस्त शीरा बन रहा है राजा का लोड का। पापा का फेवरेट है मम्मी? हाँ मैंने बहुत भाव करी वस्तु शीरो तो बहुत भाव बनाव पड़ा ग्यारह सत्ता पड़े। अभी मस्त शुगर इसमें डाल दी नाखी दी थी बाद में भाकरी बनाएगी। ओके मस्त मम्मी ने शीरा भी रेडी कर दिया है गर्मा गर्म एकदम लचकेदार। बहुत बढ़िया शीरा का कलर भी आया है मम्मी और स्मेल भी मस्त आ रही है। यहाँ पे मम्मी ने भाकरी बनाना भी शुरू कर दिया है। फराड़ी भाकरी बन रही है यहाँ पे मस्त। यहाँ पे शेक रहे हैं मम्मी भाकरी को। एक से खाई गई अरे वाह बहुत बढ़िया। तो चलिए फाइनली मैं भगवान को थाल मस्त रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मस्त भगवान का थाल रेडी कर दिया है
और राजगरा का शीरा है मस्त, और आलू की सब्जी है, और मस्त मोड़ा मोड़ दही है, और साथ में मस्त भाकरी फराड़ी। तो यहाँ पे मम्मी भगवान का थाल लेकर अब जा रहे हैं। चलो हाँ, तो यहाँ पे पापा भी आ गए खेत से। तो क्या क्या लाए आप सब्जी में? ओहो, तो वोड़ा ढींगना से आज तुम बात से लौकी, और साथ में मूड़ा भी है मस्त। तो भूख लगी कि ना? वे तो चलिए पापा भी आ गए, तो हम फाइनली बैठ जाते हैं फराड़ करने के लिए। ओके फ्रेंड, हमने मस्त फराड़ कर लिया और काम करके हम फ्री हो गए, और यहाँ पे हमारा विशु भी आ गया फराड़ करने के लिए। हाँ, जमी लो तुम्हें बताया? यस, फराड़ कर ली तो ओके, जमी लो बराबर ना, फराड़ कर लो। यहाँ पे हमारे विशु बैठ गया है मस्त, उसके लिए मम्मा का, उसके लिए विशाल के लिए हमने स्पेशल फराड़ी भाकरी बनानी पड़ती। विशाल को नहीं चलता भाकरी के बिना, यस उसके बिना विशाल को चलता ही नहीं। नहीं विशु, दही होते, वाह साथ में दही भी आ गया, वाह तो मजा आ जाता है विशाल फराड़ जब करवाने। अग्यारह सोए ना, એટલે ભૂખ વધારે લાગે। काय नहीं, करी ले करी ले। तो यहाँ पे मम्मी रेडी हो गए मंदिर पे जाने के लिए, और आज जो एकादशी है, तो क्या होगा मम्मी? आज षष्ठी ला एकादशी है ना, એટલે મંદિરે યજ્ઞ કરવાના છે, એટલે મંદિરે જઈએ છે। तो मम्मी जा रहे हैं मंदिर। जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण। विशाल के साथ जाने वाला है, तो यहाँ पे विशाल भी खड़ा है। जय स्वामीनारायण। तो फाइनली सब अपने अपने काम पे चले गए हैं, और मैं अकेली हूँ। तो मैरिज आ रहा है मासी की लड़की का, तो मैं जा रही हूँ मैरिज करने के लिए। तो अब मैं जा रही हूँ मेरा नेल आर्ट कराने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत मन था नेल आर्ट कराना। तो फाइनली घर पे प्रसंग है, तो मैं करा सकती हूँ, तो मैं जा रही हूँ। चलो मैं दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से करने वाली हूँ। तो चलिए। तो फाइनली मैं पहुंच गई पार्लर में, तो अब मेरा नेल आर्ट होने वाला है। तो चले किस तरह से हमारा नेल आर्ट बनाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बॉक्स में नेल पॉलिश का कलर है ना, तो देखते हैं कौन सी अच्छी लगते हैं। तो आता आता दिखाएंगे थोड़ी देर बाद में। चलिए, तो फाइनली यहाँ पे वर्क स्टार्ट हो गया है। तो ये एक हाथ तो मेरा हीटर में रख दिया है, गर्म गर्म मस्त हवा आ रही है। तो फाइनली हम आधे तक पहुँच गए, और लास्ट स्टेप बाकी है। तो चलो वो काम कर लेते हैं, बाद में पूरे नेल हो जाएगा तो हम दिखाएंगे मस्त। फाइनली यहाँ पे मेरे नेल पर जेल पॉलिश हो गई है। तो सब कमेंट करना कैसी लग रही है, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। फाइनली फिनिश हो गई, 4 बजे आई थी, और नहीं 3 बजे आई थी, और 5:30 बज गए। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ब्राइडल हूँ क्योंकि इतनी देर लगी इसमें, इसलिए। तो चलिए थैंक यू, और डायरेक्ट चलते हम घर पे मिलते। तो फाइनली मैं घर पे पहुंच गई हूँ, नेल आर्ट करके जेल पॉलिश कराई मैंने, और दोपहर की चली गई थी। आज तो वीडियो एडिट करना बाकी है, और 5:30 बज गए हैं, और मुझे बैठना है, 6:45 बज गए हैं, तो मुझे बैठना है वीडियो एडिट करना। और मम्मी अब तक नहीं आई मंदिर से, आएंगे तो उसे मिलाएंगे हम। तो चलिए फाइनली अब मैं बैठ जाती वीडियो एडिट करने के लिए। ओके, मैं वीडियो एडिट कर रही थी, और मम्मी आ गए मंदिर से, तो यहाँ पे बैठ गए। मम्मी क्या कर रहे हैं आप? જેમ પોસિબલ હોય, જેમ રહે કેમ રહેવાનું હોય, तो चलिए फाइनली अब मैं वापस बैठ जाती हूँ वीडियो एडिट करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी 6:30 बज गए, इसलिए चलते किचन में, क्योंकि मम्मी किचन में इसलिए। तो मम्मी अब क्या कर रहे हैं? छड़ा दाल आपने नो तेरी घेर बनाई, ये दाल ये कर पापा छाड़ो, सो छाड़े तो सा पेटी भर लई। सु बात छे, जरे आपने वापरो ने त्यारे छाड़ो नो भजे गोटा खादा ज करी। हम ये बात सच्ची, तबे मस्त बेसन का आटा लिया है, गोटा खाई, भजिया खाई, पुडला पुडला खाई, सेव बनाई, बहुत कुछ इसमें से बनता है, और मोतिया लाडू भी बनता है इसमें। तो यहाँ पे मम्मी मस्त बेसन का आटा छान रहे हैं, और छानने के बाद डब्बे में भर लेंगे। तो जब कभी चाहे ना तो छानना नहीं पड़ता, इसलिए तो पहले से छान कर रख देते डब्बे में। और आज एकादशी तो कुछ बनाया है? एकादशी है तो कुछ बनने वाला नहीं है ऐसा लगता है, तो बनाएंगे तो आपको दिखाएंगे हम। जीवा पे हमारा विषु भी आ गया है, क्योंकि बाहर बहुत अंधेरा है ना, इसलिए दिख नहीं रहा है कुछ भी।
तो चलो हम डायरेक्ट बाहर चलते हो, बाहर से उसको मिल लेते हैं। विशु भी आ गया। हेलो विशु। हाय हाय। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। भूख लग गई है? हाँ भूख तो लगी है ना जम्मा। हाँ तो करी नहीं खुए हमने खबर विशाल भाई बपोर हाँ जे मार्क्स जमवानो એટલે हां चलो फ्रेश થઈ જા। हां फ्रेश થઈ લઉં। हां तो यहां पे मेरा विशु फाइनली बैठ गया है फ्राई करने के लिए। उसको बहुत भूख लगी थी विशाल। हां बोल बोल। तो जय राम मेरी देव हम लोग में। हां इसलिए यहां विशाल बैठ गया फ्राई कर रहा है। कोई बात नहीं फ्राई कर लो अच्छी तरह से। तुम वो मैं क्या कर रहे हैं वहां पे कोने में? कोने में कोस में सुधा रुसु। ओके तो यहाँ पे मम्मी मस्त गीला धनिया कटिंग कर रहे हैं। पापा के लिए भी फ्राई करनी है? रोटी खाई ली जिसे कहे तो कृष्ण। ओके ओए पापा भी आ गए। पापा फरा करना है कुछ? फरा कर करो अबे गाय। हाँ शीरो खा दो तो छे माल मेरा खाई ली तो जमने दे अगर दूध पी लियो अबे छे अल्लाह अपना खबर पड़ी जाए। ओके तो साथ में वीरू ना मम्मी शू किसी रूप सुकन दे वो वोटू કાલે બોલો દોડી મમ્મી તો મમ્મી દૂધ કદા તને મમ્મી એમ કે આ તો બોલે લઈને જાય પડલા બધા તે સારો આવે ને તો તે બધા રતેશ મસારો કે ને મમ્મી દૂધ પી લીધું તો મારા નક એને હાટસ કરું તો જાય પડ તો ન ખાઈ ગયો મુક વાગે પાછો ઢાંકણો બંધ કરતી હતી ને ઢાંકણા વસકી ગયો કાઈ દે તો કરી ગયો મોચા થાય તો એટલે બોલ કે ના કાચ ફૂટે તો સુકન હોતા તો દેખતે કેટલા બડા સુકન હોને વાળા હે મારે ઘર પે સુકન ક્યાં और पापा बैठ गए साझा भर के दूध लेकर सुगर वाला दूध है साथ में चना लीला चना कोई दे दे। पापा के फ्रेंड कोई आए थे तो देखकर गए तो पापा चना तोड़ रहे हैं। तो चलिए विशु हम जाएंगे ना वॉक करने के लिए। हाँ। तो चलिए और बाहर का नजारा दिखाएंगे दिखा रात का नजारा। हम तो चलिए फाइनली हम रास्ते में विशाल वॉक करके जा रहे हैं आगे तक और अच्छा लग रहा है कि ठंडी कम हो गई है इसलिए तो हम चलो वॉक कर रहे थे और वीडियो का मैं एंड करती हूँ। लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो। बाय बाय।